वाह क्या सीन है शुक्ला। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे संस्कृत विद्यार्थियों को 300 रुपए का चेक वितरित करते हुए नजर आ रहे हैं। यह चेक संस्कृत छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वितरित किए गए, जिसके तहत कुल 69,195 छात्रों को 586 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी गई। हालांकि इस वीडियो के वायरल होते ही विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल से साझा करते हुए सरकार की आलोचना की है। उन्होंने लिखा है कि हजारों लाखों रुपए खर्च करके 300 रुपए का चेक थमा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी जनता को मूर्ख बनाती है बीजेपी सरकार। चेक की कॉपी बनवाने में ही 300 रुपए खर्च हो गए होंगे। ये अफसर सरकार को ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं। आप सीधे हाथ में 500 रुपए थमा देते, कुछ तो शर्म करो सरकार। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार पांडे ने भी इसमें व्यंग्यात्मक तरीके से तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि 300 रुपए तो इस चेक की रिप्लिका बनाने में ही खर्च हो गया होगा। विपक्षी दल के अन्य नेताओं ने भी इस घटना पर टिप्पणियां की हैं। राजकुमार भाटी ने लिखा, जोगी जी वाह, तमाम उम्र ही लग जाए भूलने में उसे, किसी गरीब पर इतना भी कर्म मत करना। हालांकि संस्कृत छात्रवृत्ति योजना के तहत कुल राशि के वितरण पर ध्यान दें, यह योजना संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, जिसके तहत छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। लेकिन 300 रुपए का चेक देने की यह घटना विपक्ष को हाथ में मौका दे गई है। वह सरकार की खूब आलोचना कर रहे हैं। विपक्ष का तर्क है कि इतने छोटे अमाउंट के लिए चेक वितरण एक प्रकार से विद्यार्थियों और जनता का मजाक बनाने जैसा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर काफी मीम्स और टिप्पणियां देखने को मिल रही हैं। जनता में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस प्रकार की योजनाओं से छात्रों की वास्तविक मदद हो रही है या यह केवल दिखावे के लिए है। सरकार की मंशा चाहे जो भी हो, विपक्ष और जनता के एक बड़े हिस्से ने इसे सकारात्मक रूप से नहीं लिया है। फिलहाल दोस्तों, वायरल हो रही इस घटना को देखकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में साझा कर सकते हैं।